सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा स्टूडियो। ये हमारा प्यारा सा ट्राइपोड और ये हमारा प्यारा सा गिम्बलवा जिसे हम शूट करते हैं, और ये हमारा सबसे प्यारा फोनवा वन प्लस का। काफ़ी ये चीज़ें साथ देते हैं हमारी। ये हमारे हो गए गैजेट का घर। ये सब प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं रविवारी बाजार से। ये हमारा हो गया 4 TB का हार्ड ड्राइव। ये हो गया 320 GB का हार्ड ड्राइव। ये हमारा हो गया वीडियो प्लेयर जिससे हम कुछ जमाने पहले इसमें मूवीज देखा करते थे 90s में। ये हो गया हमारा पोर्टेबल DVD राइटर। आजकल के कंपनी लोग जो कंजूस लोग होते हैं, जो DVD राइटर साथ में लैपटॉप में नहीं देते, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड वा सीगेट का 500 GB की हार्ड डिस्क। ये हो गया डेलिंग का 8 LAN पोर्ट। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे पर आगे। ये हो गया चौथा 320 GB की हार्ड डिस्क। तो आपको बताया था ये 8 पोर्ट वाला है, ये हमारे पास है 2, और ये आ गया 5 पोर्ट का। ये है एक जो है वो सिस्टम में लगाया हुआ है। ये हो गया है टिपी लिंक का एक्सटेंडर, वाईफाई एक्सटेंडर। ये है शेयर पोर्ट, डी लिंक का राउटर प्लस शेयर पोर्ट। यहाँ से हम जो है USB भी शेयर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा गिम्बल का स्टैंड। ये हो गया 1:3 HDMI पोर्ट। अगर हम यहाँ से HDMI पोर्ट इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से हम 3 जगह हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये भी हमने लिया था रविवारी बाजार से। हमारी ज़्यादातर शॉपिंग रविवारी बाजार से ही होती है। ये हो गए हमारे ससुरे, क्या बोलते हैं इसे, भूल गया मैं, हाँ सेल्फी स्टिक वा। फिर ये हो गया है हमारी वाइफ का प्यारा सा तोहफा जो मुझे दिया गया था, ब्लूटूथ बटन, काफ़ी काम की चीज़ है। और ये एंड में हम दिखा देते हैं आपको सी टाइप इंटू HDMI USB एंड सी टाइप। इसका भी कुछ प्राइस होगा नियर बाय 600 या 700, पर ये भी हम लाए थे रविवारी बाजार से 100 रुपीज़ में। शॉपिंग कभी कभी कर लेनी चाहिए रविवार बाजार से। और ये हो गया एंड में मेरा सबसे फेवरेट इलेक्ट्रिक वायरिंग की चैनल जिससे हम वायरिंग कर सकते हैं इन स्विचों के अंदर। यहाँ से पाइप में जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये मेनली बहुत काम आता है इसमें। ये हो गया हमारा मल्टी फंक्शनल कीबोर्ड जिसमें हम एप्पल iOS जहाँ चाहे वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हो गया वायरों का भंडार। यह हमारा आया टिपी लिंक ड्यूल बैंड राउटर विथ USB सपोर्ट। अगर हम इसे ले लेंगे तो इसे फिर नेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप नेस्ट भी इससे बना सकते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा टूटा फूटा छोटा सा स्टूडियो। तो प्लीज़ अगर आपको जो भी इसमें ख़राब लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
थैंक यू।